वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो. दिस इज प्राची अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन जूलॉजी फॉर ऑल. सो टुडे वी लर्न अबाउट द प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स. क्लियर? सो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने कार्ल लूस की 3 डोमेन क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की थी. क्लियर? तो थोड़ा सा आइडिया हमने वहां लिया था. यहाँ पे हम प्रॉपर डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या होते हैं. क्लियर? तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर इन प्रोटोस्टोम्स इज योर माउथ, मतलब कि ब्लास्टोपोर से क्या ओरिजिन होगा, माउथ. एंड एंटीरियर टू माउथ इज योर एनस. क्लियर? दिस इज योर डाइजेस्टिव ट्यूब. इन ड्यूटेरोस्टोम्स द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर इज योर एनस, मतलब कि एनस ओरिजिन होगी. द ओरिजिनेशन ऑफ एनस इज फ्रॉम ब्लास्टोपोर एंड एंटीरियर टू दैट इज योर माउथ. क्लियर? सीलोम इन प्रोटोस्टोम्स इज आइदर एबसेंट और सूडोसीलस और शाइजोसीलोम. ठीक है? शाइजोसीलोम हमारे पास क्या होता है, जब मीजोडर्म स्प्लिट होती है इन टू पार्ट्स, एज यू कैन सी हेयर दैट सीलस इज नोन एज शाइजोसीलस. दीज आर द पार्ट ऑफ सीलोम. क्लियर? इन ड्यूटेरोस्टोम्स सीलोम जो होता है इट इज वेल डिवेलप्ड, दैट इज नोन एज एंटेरोसीलोम. एंटेरोसीलोम्स में हम क्या देखते हैं कि जो मीजोडर्म है वो हमारे पास फोल्ड क्रिएट करती है अलग अलग टाइप पे, या फिर हम कह सकते हैं पिंच ऑफ. क्लियर? दैट इज योर आर्केंटीरोन का जो पार्ट होता है मीजोडर्म, ये आर्केंटीरोन फॉर्म हो रहा है दोनों में. क्लियर? आर्केंटीरोन जो फॉर्म होता है उसमें मीजोडर्म जो होती है पिंच ऑफ तरीके से हमारे पास जब फोल्ड क्रिएट होते हैं, दैट सीलोम इज नोन एज एंटेरोसीलस. इन प्रोटोस्टोम्स जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज क्या होती है, स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है. इन ड्यूटेरोस्टोम्स क्लीवेज इज रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट. क्लियर? यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म होती है दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा, एंड हेयर इट इज टॉर्नोरिया एंड बिपिनेरिया. क्लियर? इट इज कम्पोज ऑफ सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड इट इज कम्पोज ऑफ हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन का एक हमारे पास चार्ट है जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होती है. सबसे पहले जाइगोट में स्पाइरल क्लीवेज होगी, उसके बाद ब्लास्टूला फॉर्म होगा, ब्लास्टूला के बाद ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील के बाद गैस्ट्रोलेशन होगा. ये एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस है जो हम फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे. गैस्ट्रोलेशन के बाद ब्लास्टोपोर फॉर्म होगा, देन शाइजोसीलोम फॉर्म होगा जिसमें हमारे पास जो मीजोडर्म है वो स्प्लिट हुई है, देन हमारे पास प्रोटोस्टोम्स फॉर्म हो जाएंगे. हेयर जाइगोट में हमारे पास रेडियल क्लीवेज होगी, रेडियल क्लीवेज के बाद ब्लास्टूला फॉर्म होगा, ब्लास्टूला के बाद हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ब्लास्टोसील के बाद गैस्ट्रोलेशन होगा, उसके बाद ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन होगी. ब्लास्टोपोर से हमारे पास ओरिजिन क्या होगा इन ड्यूटेरोस्टोम, दैट इज एनस. क्लियर? यहाँ पे फिर हमारे पास एंटेरोसीलोम फॉर्म होगा, देन हमारे पास ड्यूटेरोस्टोम्स फाइनली फॉर्म हो जाएंगे. क्लियर? आई होप हम अब आप लोगों को प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम्स में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है या आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर कुछ नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो नहीं चीज़ पसंद आई है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं. If you like this video, then please subscribe, like and share. Thank you very much.